शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह और सेनेटर एतजाज अहसन से मुलाकात की। दोनों सियासी जमातों का इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि कराची की सूरत हाल और अल्ताफ हुसैन के पाकिस्तान मुखालिफ बयान का मामला कौमी असम्बली में उठाने के लिए दीगर सियासी जमातों से भी मुशावरत की जाएगी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने पानामा लीक के मामले पर एतजाज अहसन के बिल की हिमायत का फैसला किया है। कराची की सूरत हाल है और जो अल्ताफ हुसैन के इरशादात हैं उस पर तो यकीनन कौमी असेंबली में ये मसला यकीनन उठेगा। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि पानामा के हवाले से पख्तूनख्वा असेंबली से करारदाद मंजूर करवाएंगे। एतजाज हसन ने कहा कि बासमूर पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का मौकफ एक ही है, सब चाहते हैं कि यकसा एहतसाब हो। इस इंक्वायरी और इंक्वायरी कमीशन में जो 630 नाम आते हैं उनमें आगाज वजीर आजम और उनके खानदान से होना चाहिए, जिसकी वजह एक नहीं ज्यादा वजूहात हैं। मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी को 3 सितंबर के एहतजाज में शिरकत की भी दावत दी, जिसे एतजाज अहसन ने पार्टी क्यादत की मशावरत से मशरूत कर दिया। कैमरा टीम के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।